हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बजट क्रिएट करना बताया था अकाउंटिंग फीचर्स में। अभी अकाउंटिंग फीचर्स में हमारे बहुत सारे कुछ और ऑप्शंस रह गए हैं, बट उन फीचर्स को हम इन्वेंट्री के साथ यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए मैं वो फीचर्स जो हैं वो आपको इन्वेंट्री के बाद कराऊंगी। तो सबसे पहले आज हम इन्वेंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट की हुई है। इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद देखिए, मैंने आज इन्वेंट्री को क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे हम इन्वेंट्री को क्लोज करने के लिए F11 करके अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करते थे, और यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट्स ओनली फर्स्ट ऑप्शन को येस करते थे। क्यों? क्योंकि हमें इन्वेंट्री यूज़ नहीं करनी होती थी। लेकिन आज अगर हमें इन्वेंट्री को यूज़ करना है तो आज आपने इस ऑप्शन को नो ही रखना है, आपने इसको यस नहीं करना, क्योंकि आज हमें इन्वेंट्री भी यूज़ करनी है। अगर आप इसको नो रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री जो है आपकी ऑन रहेगी। ठीक है, इन्वेंट्री में आपको सबसे पहले इन्वेंट्री हम क्या करते किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई भी स्टॉक को मेंटेन हमें रखना होता है तो उसके लिए हम इन्वेंट्री यूज़ करते हैं। और स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं कि हमें स्टॉक आइटम पता होनी चाहिए, स्टॉक ग्रुप पता होना चाहिए, और उस स्टॉक को हम किस में काउंट करेंगे ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम यूनिट्स बनाते हैं कि इस आइटम को बनाने के लिए, जो इस आइटम को सेल परचेज करने के लिए, वो उसको हम किस क्वांटिटी में करेंगे, किस में हम उसको मेज़र करते हैं, जैसे केजी में, लीटर्स में। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूनिट्स बनानी होती हैं। तो यूनिट्स बनाने के लिए इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने आना है इन्वेंट्री इन्फो पे। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री इन्फो आ रहा है, आपने इन्वेंट्री इन्फो पे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए यूनिट्स ऑफ मेज़र है, यूनिट ऑफ मेज़र पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद अभी जो आप यहाँ पे यूनिट बनाएंगे वो आप सिंपल यूनिट बनाएंगे। तो आपने सिंपल यूनिट मैंने सबसे पहले बना ली केजी। ठीक है, सिंबल में आपने शॉर्टकट ले लेना है कि आपने जो भी सिंबल लिया उसका शॉर्टकट ले लिया। फॉर्मल नेम में आपने पूरा नाम लिख देना है किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस लगते हैं केजी में। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में 3 0 होती हैं, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 आ जाएगा, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। सेकेंड यूनिट मेरे को बनानी है ग्राम, तो सेकेंड यूनिट बनाने के लिए मेरे को ग्राम का सिंबल लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिंबल में GM ले लिया, फॉर्मल नेम में मैंने ग्राम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेंगे, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है। ठीक है ना, तो ग्राम में डेसिमल प्लेसेस 0 रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, 1 kg की और 1 ग्राम की। ठीक है, अगर मेरे को इन दोनों यूनिट्स को कंपाउंड करना है, क्यों कंपाउंड क्यों करना होगा कि अगर कोई पर्सन मुझसे केजी और ग्राम दोनों में सामान को खरीदता है तो उसके लिए मुझे कंपाउंड यूनिट चाहिए होगी जिसमें केजी यूनिट भी पिक करे वो और ग्राम की यूनिट भी करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, बैकस्पेस प्रेस करना है। बैकस्पेस जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास टाइप में आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपने कंपाउंड यूनिट बनानी है कि सिंपल यूनिट बनानी है। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपने यहाँ पे टाइप में कंपाउंड ले लेना है, और फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे आपने यूनिट ले लेनी है केजी, और कन्वर्जन क्या है, केजी ऑफ 1000, केजी जो है इक्वल टू है 1000 ग्राम के, तो केजी ऑफ 1000 लिख के सेकेंड यूनिट आपने ले लिया है यहाँ पे ग्राम। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे अगर दोबारा से सिंपल यूनिट बनानी है तो सिंपल यूनिट बनाने के लिए मुझे दोबारा से बैक स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने सिंपल ले लेना है। ऐसे जैसे मैंने केजी ग्राम की यूनिट बनाई और उसको कंपाउंड कर लिया, वैसे ही आप लीटर्स की बना सकते हो, पीसेस की बना सकते हो, डजन्स की बना सकते हो, जो भी यूनिट आपको चाहिए आप यहाँ पे आके बना सकते हो। ठीक है, और कोई भी अगर हमें कंपाउंड यूनिट बनानी है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले सिंगल यूनिट होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास सिंगल यूनिट नहीं होगी तो हम उसको कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने सबसे पहले केजी और ग्राम के सिंगल यूनिट्स बनाई और उसको बाद में मैंने कंपाउंड किया, वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी यूनिट अगर आपको बनानी है मेजर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो आपने यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यूनिट्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे स्टॉक आइटम सॉरी स्टॉक ग्रुप बनाना है। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम अपने स्टॉक को ग्रुप वाइज शो कर पाएँ, इट मींस कि अगर मैं डिस्प्ले में चेक करूं, जब मैं अपना स्टॉक को चेक करूंगी तो मैं चाहती हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स मेरे पास अलग से शो हों। ठीक है, और ऐसे ही फर्नीचर की आइटम्स भी मेरे पास अलग से शो हों। ठीक है, अगर मैं ये ग्रुप नहीं बनाती तो ये सारी आइटम्स मेरे को एक साथ शो हो जाएंगी और मेरे को देखना भी जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज बना लेते हैं ताकि अगर कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स चेक करनी है तो हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ही देख पाएंगे। ठीक है, फर्नीचर की देखनी है सारी फर्नीचर्स की देख पाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे आना है, स्टॉक ग्रुप पे आना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स।
आपने अंडा इसको प्राइमरी लेना है, जस्ट आपने नेम लिखना है और इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद मैंने एक और ग्रुप बना लिया फूड, फूड आइटम्स जो है मैं वो फूड ग्रुप में लूँगी अंडर प्राइमरी, लेके इसको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे जितने भी ग्रुप्स आपने मेन जो हेड आपने बनाना है वो आप ग्रुप्स में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स और यूनिट बनाने के बाद आपने बनानी है आइटम्स की, जो आइटम्स आपने सेल परचेज जो भी करनी है, जिस भी आइटम के लिए आपने पेमेंट करनी है, जिस भी आइटम के लिए आपने रिसीव किया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाना होगा। क्योंकि अगर आपने इन्वेंट्री ऑन कर रखा है तो आपसे सेल परचेज करते टाइम वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या चीज़ सेल की है, आपने क्या चीज़ परचेज की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम पर आके आपने यहाँ इन्वेंट्री इन्फो पर आना है, स्टॉक आइटम्स पर आना है और क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइटम ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइटम लिए राइस, ठीक है, ये मैंने राइस आइटम लिए है। अब यहाँ पे देखिए मेरे से ग्रुप पूछ रहा है, ठीक है, मैं राइस को ले लेती हूँ फूड ग्रुप में, ठीक है। एक प्राइमरी भी आ रहा है, प्राइमरी क्यों लेते हैं, प्राइमरी हम तब लेते हैं जब हमें कोई ग्रुप नहीं देना। अगर हमें किसी भी आइटम को कोई ग्रुप हम नहीं मेंशन करना चाहते तो हम उसको प्राइमरी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए मैं राइस को फूड दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट्स, यूनिट्स देखिए हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स बना रखी हैं, तो तीनों यूनिट्स मेरे पास शो हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं केजी यूनिट देती हूँ, तो अगर मैं सिर्फ केजी यूनिट देती हूँ तो राइस को हम सिर्फ केजी में ही सेल परचेज कर सकते हैं और किसी यूनिट में हम इसको सेल परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्राम यूनिट ले लेते हैं तो ग्राम यूनिट में भी यही होगा कि हम ग्राम यूनिट में ही सेल परचेज कर पाएंगे, केजी और दोनों चीज़ों में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम केजी ऑफ 1000 ग्राम लेते हैं तो अगर कोई पर्सन हमसे सिर्फ केजी में सामान खरीदेगा तो वो केजी में भी पिक कर लेगा, अगर ग्राम में खरीदेगा सिर्फ तो ग्राम में भी पिक कर लेगा। अगर वो मान लो 2 kg 500 ग्राम खरीदता है, ठीक है, सामान खरीदता है, 2.5 किलो अगर खरीदता है या 5.5 किलो खरीदता है, तो इसमें केजी और ग्राम दोनों चीज़ें होगी, 2 kg 500 ग्राम हो गया, तो इसमें वो केजी वाली यूनिट भी पिक कर लेगा और ग्राम वाली यूनिट भी पिक कर लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, केजी ऑफ 1000 ग्राम वाली यूनिट लेते हैं ताकि हमारी सारी यूनिट्स जो हैं वो पिक कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका कोई स्टॉक पिछला बचा हुआ है और आपने उसकी क्वांटिटी रेट देना है तो आप यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस ले सकते हैं, जैसे हम लेजर्स में लेते थे, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ऐसी एक और आइटम मैंने बना ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेबल लिया। अब यहाँ पे इसमें मैंने देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड में से तो कुछ भी नहीं है, टेबल तो मैं चाहूँ तो इसको मैं प्राइमरी ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहती हूँ तो मैं ऑल्ट प्लस यहाँ पे एक ग्रुप बना लेती हूँ फर्नीचर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्नीचर का ग्रुप बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्ट प्लस सी करके आप यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं, यूनिट्स भी बना सकते हैं। ऑल्ट प्लस सी से हर एक चीज़ की क्रिएशन हो जाती है, ठीक है। यूनिट्स, अब टेबल जो है वो किस में काउंट होगा, केजी में तो नहीं होगा, तो टेबल्स को हम किस में काउंट करेंगे, 1 table 2 tables ऐसे ही ना नंबर्स में हम काउंट करेंगे या पीसीज में करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे यूनिट बनानी पड़ेगी क्योंकि यूनिट मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ऑल्ट प्लस करना है। यहाँ पे कंपाउंड यूनिट का फॉर्मेट खुला हुआ है, मैं बैकस्पेस करूंगी तो यहाँ पे सिंपल यूनिट मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ सिंबल में मैं ले लूंगी। अगर मेरे को नंबर्स लेना है तो मैं यहाँ नंबर्स की शॉर्टकट लिख देती हूँ, NOS लिख दिया मैंने सिंबल में और फॉर्मल नेम में मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे आप जो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप एक और आइटम बना ली है, यहाँ पे अंडर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, यूनिट्स भी जो ये हैं नंबर्स में ही काउंट होंगे, लैपटॉप्स भी, ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ऐसे हम जितनी भी आइटम्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हमें बनानी है, हम यहाँ पे ऑल प्लस सी करके भी बना सकते हैं, या फिर आप पहले से बना के रखो तो वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम्स, यूनिट्स और ग्रुप्स बनाने के बाद अब हमने परचेज करना है, ठीक है। अगर हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टॉक को जो भी मैंने बनाया है इसको मैं परचेज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे F9 में एंट्री कर लूँगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या होता था, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में पर्टिकुलर्स आता था, ऐसे आता था अगर हम सिंपल वाउचर फॉर्मेट में करते थे, लेकिन इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, आइटम फॉर्मेट बोलते हैं ना, इसमें आइटम इनवॉइस है, इसमें हम आइटम्स भी लेंगे, ठीक है, इस इनवॉइस में। तो अगर मैं मान लो इस फॉर्मेट से चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आइटम्स ले रखी हैं इसको मैं इनवॉइस फॉर्मेट में, मतलब आइटम फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्मेट चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्लस वी अगर करूँगी तो यहाँ देखिए सिंपल फॉर्मेट आ गया, कंट्रोल प्लस वी से दोबारा ये इनवॉइस फॉर्मेट आ गया। और अगर मैं यहाँ से आइटम फॉर्मेट नहीं चाहती तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्लस आई, देखो सिंपल फॉर्मेट हो गया, अगर ऑल्ट प्लस आई तो ये आइटम इनवॉइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें एंट्री करना बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।